हेलो एवरीबॉडी, आज मैं एक क्लास 10 का मैथ कराने वाला हूँ। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम कराने वाला हूँ। देखिए, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है। बुक से देखेंगे, चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट है 135 एंड 225 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए क्या किया जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको उससे जस्ट छोटी वाली संख्या से डिवाइड करेंगे। इन दोनों में 225 है बड़ी है संख्या और 135 छोटी है, तो 225 को 135 से डिवाइड कर दिया जाए। इस तरह से साइड में उसको डिवाइड करके लिख लेंगे, देखिए किस तरह से। तो 135 को यहाँ लिख लेंगे, डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 12 टू 13 टू 26 होता है, ये छोटा है इसलिए वन टाइम जाएगा, तो ये हो गया 135। माइनस कर लेंगे, जीरो हो गया, 12 माइनस 39 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, इस रिमाइंडर से फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, तो फिर यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे 135। 9 टू 180 हो गया, तो ये नहीं जाएगा, वन टाइम्स हो गया, फिर यहाँ 90 हो गया, माइनस कर लेंगे, 5 हो गया, 13 माइनस 9 45 हो गया। फिर अगेन इस 40 जो रिमाइंडर यहाँ आया इससे इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, तो 45 से 90 को डिवाइड कर दिया जाए, टू टाइम्स जाएगा, 90 हो गया, रिमाइंडर कैंसिल हो करके जीरो हो गया। जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो डिवीजन बंद हो जाएगा। साइड में इस तरह से डिवाइड करके लिख लेंगे, तो उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करना और उसको लिखना इजी हो जाएगा। तो देखिए, अब यूक्लिड डिवीजन में इसका हेल्प लेकर के कैसे हम लोग करेंगे, तो फर्स्ट डिवीजन हुआ ये, रिमाइंडर आया ये, तो दिस इजकल टू क्या होता है, दिस इजकल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, फॉर्मूला पढ़ेंगे, डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो वही अप्लाइंगे, ये डिविडेंड डिवाइजर, ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर, तो दिस इजकल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। पहली बार जब एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई डिवीजन, लेमा टू 135 एंड 225। पहली बार इन दोनों का अप्लाई कर रहे हैं तो लिख लिया जाए 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। उसके बाद इस 90 द्वारा 135 को डिवाइड किया है, तो इस अगले बार इसमें और इसमें 135 और 90 में डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया जाए, तो अप्लाई डिवीजन लेमा टू 90 या 135 एंड 90, तो दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, यहाँ पर क्या आएगा 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 45। नेक्स्ट टाइम ये रिमाइंडर 45 से 90 को डिवाइड किया, तो इस 90 और 45 में अप्लाई कर दिया जाएगा,
थ्री टाइम डिवाइड किया था, थ्री स्टेप का होगा। तो अगले होगा अप्लाई, डी डिवीजन लेवा, टू 90 and 45। में तो दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस प्लस, तो 90 इज इक्वल टू 45 इनटू 2 प्लस 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उस केस में जो लास्ट टाइम जिससे डिवाइड किया, मतलब जो डिवाइजर है वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। रिमाइंडर जिस केस में रिमाइंडर 0 आया उस केस का जो डिवाइजर होगा, मींस लास्ट जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। देयरफॉर एचसीएफ हो जाएगा, नोट कर लेंगे यहाँ तक। Therefore, HCF of 225 and 135 is equal to 45 is the answer, since remainder is equal to 0. ताजिब में रहने दिया जाए।